disco. एक्चुअली मैं यहाँ मॉर्निंग ड्यूटी करके अपना खुद यहाँ पर घूमने आता हूँ. एक्चुअली यहाँ पर बच्चों को देखकर अपने आप को ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ. यहाँ पर वॉक करने आता हूँ मैं. चुके हैं अब एक और बेस्ट लोकेशन में, जैसा कि आप सभी पीछे देख रहे होंगे, एंटरटेनमेंट के लिए, जो बच्चों के लिए जो गार्डन होता है उसके लिए बीच में झूले वूले या एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर चिल्ड्रन पार्टी है, जो कि यहाँ पे मजे ले रहे हैं, झूले खा रहे हैं. देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पर है. सो गाइस, हमारे साथ में एक बहुत अच्छा बाबू है, बच्चा है, तो देखते हैं ये यहाँ पे जो अभी हमको लगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पे एंटरटेनमेंट कर रहे थे. तो ये भैया भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखते हैं. भैया आपका नाम? स्वास्तिक शर्मा. स्वास्तिक शर्मा, भैया आपको मतलब कैसा लगता है यहाँ पे खेलना? अच्छा लगता है. अच्छा लगता है, तो आप डेली आते हो यहाँ पे खेलने के लिए? नहीं. कब? मैं संडे को आता हूँ. संडे को आते हो? सेकेंड क्लास के अंदर. ओली बहुत छोटा सा बच्चा है ये, देखो, जो कि यहाँ पे अभी खेल रहे थे, तो काफ़ी एंटरटेनमेंट हुआ है यहाँ पर. और फिर मेन बात ये कि काफ़ी सारे जो यहाँ पे चीज़ें हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, वो बहुत ही शानदार चीज़ें हैं. तो और देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे है, तो देखते हैं. तो ये भैया, हम अभी हमने आप देखा भैया को कि हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट कर रहे थे, भैया काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रहा था. देखते हैं भैया आपको यहाँ पे क्या लाके कैसा लगता है? यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो एक्चुअली यहाँ पर मुझे यहाँ पर जयपुर में आई हुई, आई फ्रॉम यूपी. यस सर. मैं यहाँ पर होटल एयरू में जॉब करता हूँ. yes. द फन इक होटल होटल में. यस सर. एक्चुअली मैं यहाँ मॉर्निंग ड्यूटी करके अपना खुद यहाँ पर घूमने आता हूँ. एक्चुअली यहाँ पर बच्चों को देखकर अपने आप को ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ. यहाँ पर वॉक करने आता हूँ मैं. सो का जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी एंटरटेनमेंट होता है. फिर मैंने बात यहाँ पे जो बच्चे मैं भी यहाँ से अच्छा कोई पार्क भी नहीं है. हाँ, यहाँ फैमिली वैसा कोई है. तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर. तो सो गाइस, और फिर मेन बात ये कि एशिया का नंबर वन सबसे बड़ा पार्क यही है. तो और काफ़ी एंटरटेनमेंट की यहाँ पे जगह मिल जाएगी, लोकेशन मिल जाएगी, फोटो शूट एंड इन्जॉयमेंट जो इतना होता है यहाँ पे, तो बहुत शानदार मज़ा आता है. यहाँ से ज़्यादा शानदार कहीं नहीं है, कहीं नहीं लगता. हाँ, अपनी फैमिली के साथ भी. हाँ. तो फिर मैंने बात फैमिली हो गई, कोई अदर फ्रेंड के फ्रेंड हो गए, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे इन्जॉयमेंट कर सकते हो. तो आगे मिलते हैं आपको जल्दी. Let's start by connecting your top. Lower your finger, don't be caught up in with hearts setting the beat. Tell you did it wrong, and what makes it worse? You don't even have a nerve to ever say that you're sorry. So guys, जैसा कि आपने सभी ने देखा है कि जो लोकेशन थी यहाँ की, जो फोटो शूट की लोकेशन थी एंड यहाँ के जो एंजॉयमेंट था देखने को, जो यहाँ के जो गार्डन थे वो बहुत ही शानदार थे, जैसा कि हमने दो तीन रिव्यू भी लिए इस गार्डन के. और फिर मेन बात ये कि बहुत शानदार गार्डन था, काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ हमारे साथ. और फिर दरअसल इतना बड़ा गार्डन था, तो हम लोग घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे लास्ट में. तो बस, तो जैसा कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एक तरह से, तो वीडियो को अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिसके जो आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलते रहे. करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग पर. जय हिंद, जय भारत.